वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो साथियों, मेरे मित्रों, आपको पता ही है कि इस समय राजस्थान RPS की भर्ती है और उसी को लेके बच्चे जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, काफ़ी जो है सटीक तरीके से लगे हुए हैं, वो अदर राज्य के भी लोगों को अलाउ है, तो इसलिए उसको देखते हुए कुछ वीडियो जो है आपको रिविज़न दिया जाता है, जैसे कि कल दिया गया था आज भी दिया जा रहा है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, अगर नए हैं तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फेसबुक पेज AMU Classes Art को फॉलो कर लीजिएगा और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की जो आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, पहले प्रश्न का कहना है, बादामी गुफा में नटराज की कितनी प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया गया? नटराज की कितनी प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया गया बादामी गुफा में? 18, 19, 16 या 15? तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न का सीधा सीधा पूछना है कि जो बादामी की गुफाएं हैं उसमें नटराज की कितनी प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया गया, मतलब किस जो पोजीशन की बात कर रहा है, किस किस तरह के पोजीशन में, कितने पोजीशन में वहां की प्रतिमाएं जो हैं मिली हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का यही कहना है और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा C 16, यानी 16 तरह का पोजीशन जो है प्रदर्शित किया गया है बादामी गुफा में नटराज की प्रतिमा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न का साथियों हमको कहना है कि अजंता की गुफा संख्या 17 का निर्माण काल हुआ है, गुफा संख्या 17 का जो निर्माण काल हुआ है वो सातवाहन काल में हुआ है, वाकाटक काल में हुआ है, चालुक्यों के काल में हुआ है या गुप्त काल में हुआ है? किस काल में हुआ है अजंता की गुफा संख्या 17 का निर्माण काल? यह है हमारा प्रश्न संख्या 2। तो चलिए रिवीजन क्लास का दूसरा वीडियो आज है आपके पास और फटाफट कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तरों का और आज की रिवीजन को भी कंप्लीट करिए और देखिए कितना है आज आपका वीडियो में सही प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा D, गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 का जिक्र करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है और प्रश्न का कहना है तीसरा कि अशोक के समय कौन सी शैली प्रचलित थी? अशोक जब राजा थे तो उस समय जो है जो शैली प्रचलन में थी उस शैली का नाम क्या, नाग शैली था, जैन शैली था, पाल शैली था या यक्ष शैली था? इनमें से वो कौन सी शैली है जो अशोक राजा के समय में प्रचलित रही? यह है आपका तीसरा प्रश्न। तो साथियों प्यारा प्यारा कमेंट्स अपने प्रश्नों का दीजिए और आज की वीडियो में जो रिवीजन क्लास आप देख रहे हैं उसको ज़रा देखिए कि कितना आप आज सही करते हैं। तीसरा प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा D, यक्ष शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए। चौथे प्रश्न का कहना है स्तूप पूजा चित्र किस गुफा में चित्रित है? ठीक है, स्तूप पूजा चित्र किस गुफा में चित्रित है? स्तूप पूजा चित्र है और जिस गुफा में वो चित्रित है वो क्या गुफा संख्या 10 है, वो क्या गुफा संख्या आपकी 17 है, वो क्या गुफा संख्या आपका 9 है या वो क्या गुफा संख्या आपका 16 है? ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी गुफा संख्या है जिसमें स्तूप पूजा चित्र चित्रित है? चौथा प्रश्न है हमारा और चौथे प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा C, गुफा संख्या 9। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है और पांचवें प्रश्न का देखिए क्या कहना है। कह रहा है पांचवा प्रश्न, अजंता की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? अजंता की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 10
या गुफा संख्या दो। तो इनमें से अजंता की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, यह है हमारा पांचवा प्रश्न। और आज आपकी 20 प्रश्नों की सीरीज है, 20 प्रश्न आज मैंने लिया है और इसमें आपको देखना है कितना आउट ऑफ जो है आपका सही जाता है आज के इस प्रश्न में। ठीक है साथियों, तो रिलैक्स होके और आराम से प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, गुफा संख्या 29 अजंता की सबसे बड़ी गुफा है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 का कहना है, देखिए आपके सामने है, राज्य संपत्ति का चित्र किस गुफा में चित्रित है। राज्य संपत्ति का चित्र चित्रित है जिस गुफा में, वो गुफा क्या बाघ की गुफा है, एलिफेंटा, जोगीमारा, बादामी। राज्य संपत्ति मीन्स राज्य की जो संपत्ति होती है उसको चित्रित किया गया है, और किस गुफा में चित्रित किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, कला के बेहतरीन प्रश्नों की रिवीजन आपके दो वीडियो में अभी तक दी जा रही है, और उस रिवीजन में पूरी उम्मीद है मुझे कि आरपीएससी में जो भी बच्चा बैठेगा वो अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा, चाहे वो अदर स्टेट का अप्लाई कर रहा हो या राजस्थान राज्य का हो। तो साथियों, 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, बादामी गुफा। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, और सातवें प्रश्न का कहना है आपके, सातवां प्रश्न साथियों का कहना है, किस गुफा में पुरुषों को धोती कुर्ता पहने अंकित किया गया है। पुरुष जो है वो धोती और कुर्ता पहने अंकित किए गए हैं, क्या जोगीमारा में किए गए हैं, एलिफेंटा, एलोरा या अजंता। ठीक है, तो डेली कुछ ना कुछ प्रश्न आपको एएमयू क्लास रात 8 बजे देता है, और ये सिलसिला जारी रहेगा, हमेशा रुकेगा नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि भर्ती आएगी तभी आपको मैं दूंगा, भर्ती नहीं आएगी तभी भी हमेशा वीडियो आपको मिलता रहा है ताकि डेली आप रिवीजन में रहें। और अच्छे खासे वीडियो, अच्छे खासे प्रश्न जो है मैंने दिया है, और आने वाले समय में भी एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को आपको जो है रूबरू कराऊंगा। तो इसके लिए आपको डेली बने रहना पड़ेगा साथियों। और इस प्रश्न का यानी सातवें प्रश्न का सही जवाब जो है वो है अजंता, डी राइट आंसर। तो बने रहिएगा डेली, अगर आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को बनाना चाहते हैं कंपटीशन में। तो आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 8वां है ये, और प्रश्न का पूछना है, गुलाम यजदानी किस विभाग के निर्देशक थे। नाम है गुलाम यजदानी और वो किस विभाग के निर्देशक थे, यानी कि हैदराबाद राज्य का जो पुरातत्व विभाग है वहाँ के, या इलाहाबाद के पुरातत्व विभाग के, या महाराष्ट्र के पुरातत्व विभाग, या दिल्ली के पुरातत्व। पुरातत्व विभाग आपको पता ही है जो कि खोज वगैरह जो है निकाल करता है, ये सब चीज़ें कला में जो हमने पढ़ी हैं, ये आधे कुछ लोग तो पुरातत्व विभाग वाले भी जो है बताते हैं, निकालते हैं कुछ ना किस चीज़ों को जो है मिलता है। ठीक है, तो गुलाम यजदानी किस विभाग के निर्देशक थे, यह है आपका 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न का सही जवाब जो है वो है हैदराबाद राज्य के पुरातत्व विभाग के। कहाँ के? हैदराबाद राज्य के पुरातत्व विभाग के मित्रों ये थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका अब 9 नंबर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिए 9 नंबर प्रश्न का क्या कहना है। 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, अजंता के चित्र निर्मित हैं, निर्मित हैं अजंता के चित्र कैनवास पर, भित्ति पर, पोथी पर, जमीन पर। ठीक है, तो ये तो सिंपल प्रश्न है, और मेरे ख्याल से आज की जो 20 प्रश्नों की सीरीज है उसमें आप बेस्ट करने वाले हैं, पूरी उम्मीद है मुझे अपने सब्सक्राइबरों से इस रिवीजन को। और यही बेस्ट आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी हेल्प करेगा,
और हमारा ये प्रश्न कह रहा है कि अजंता के चित्र निर्मित हैं, तो भित्ति चित्र हैं अजंता के जो हमें मिले हैं, निर्मित हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 का कहना है, 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अंधे माता पिता का सेवा करता साम जातक चित्र किस गुफा में है? अंधे माता पिता की सेवा करता साम जातक चित्र क्या गुफा संख्या 19 में है, गुफा संख्या 16 में है, गुफा संख्या 17 में है, गुफा संख्या 10 में है? किस गुफा में है अंधे माता पिता की सेवा करता साम जातक चित्र? ठीक है, ये 10 नंबर प्रश्न है आपका। और उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्नों की सीरीज, आपके उत्तर जो ड्रॉप हो रहे होंगे, बेस्ट ऑन बेस्ट हो रहे होंगे आज के रिवीजन का कल की तरह। ठीक है, तो लगे रहिए और अपने जो टारगेट है उसको अचीव करिए जल्द से जल्द, यही कामना है मेरी। और 10वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, गुफा संख्या 10 में। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है। 11वें प्रश्न का कहना है, साथियों वर्तमान में अजंता के कुल कितने गुफा चित्र हैं, यानी वर्तमान में अजंता के कुल कितने गुफा चित्र शामिल हैं? 6, 17, 30 या 25, यानी कितने गुफाओं में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कितने चित्र शामिल हैं अजंता गुफा में, ये पूछ रहा है 11 नंबर प्रश्न। तो वर्तमान समय में जो है 6 गुफाओं में चित्र हमारे अजंता के कुल 6 गुफाओं में चित्र शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, 12 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। 12वें प्रश्न का कहना है, रंगमहल बाघ की किस गुफा का नाम है? रंगमहल बाघ की किस गुफा का नाम है? रंगमहल बाघ की गुफा संख्या 2 का नाम है, गुफा संख्या 4 का नाम है, गुफा संख्या 5 का नाम है या गुफा संख्या 3 का नाम है? ठीक है, तो नाम है रंगमहल और वो भी बाघ की गुफा का। तो दो बातें तो आपके ऊपर ही हो गई कि बाघ गुफा में एक रंगमहल भी है और किस गुफा को कहते हैं, ये हमारा आपसे सवाल है आज का, ठीक है, रिवीजन क्लास का। तो बस प्रश्नों को इधर उधर घुमाते हैं और कुछ नहीं नया करते हैं और उसी में आपकी टेस्ट हो जाती है। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, गुफा संख्या 4। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न की जिक्र करने वाले हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, पाल शैली में पोथियाँ किस पर निर्मित की गई? पाल शैली में जो पोथियाँ थी वो बनाई गई, निर्मित की गई किस पर? ताड़पत्र व भोजपत्र दोनों पर, ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, या इनमें से तो कोई नहीं? यानी कहने का मतलब ताड़पत्र और भोजपत्र दोनों पे बनाई गई थी, या सिर्फ ताड़पत्र पे बनाई गई हैं, या सिर्फ भोजपत्र पे बनाई गई हैं, या इनमें से किसी भी चीज़ पे नहीं बनाई गई हैं? ये है आपका प्रश्न संख्या 13। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो साथियों 13वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, तारपत्र और भोजपत्र दोनों पर जो है बनाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 14। 14 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न का कहना है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? लघु चित्रों की शुरुआत भारत में किसने की? ठीक है, राजपूत ने की, पाल राजाओं ने की, मुगल शासकों ने की या मौर्यों ने की? किसने की भारत में लघु चित्रों की शुरुआत? प्रश्न संख्या 14 का कहना है। और काफ़ी प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है और मुझे यकीन है कि सुपर बेस्ट जो होता है
रिवीजन आपका कमेंट्स आ रहा होगा, सुपर बेस्ट एकदम रिवीजन कमेंट्स आपका आ रहा होगा। सही सही पूरी यकीन है मुझे, क्योंकि आपकी तैयारी को मैंने परखा है इतने दिनों में। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी पाल। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का कहना है, प्रश्न संख्या 15। क्या कह रहा है देखिए, 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है पाल वंश के संस्थापक कौन थे। पाल वंश के संस्थापक के रूप में क्या हम राजा गोपाल को जानते हैं, राजा धर्मपाल को, राजा उदयपाल या राजा देवपाल। पाल वंश के संस्थापक के रूप में इसमें से हम किस राजा को जानते हैं, यह है आपका 15 नंबर प्रश्न। तो फटाफट करिए ड्रॉप अपने प्रश्नों के उत्तरों का। हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस आर्ट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा मित्रों, वही लोगो है फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो ये वहाँ भी जाता है, 1 घंटे बाद अपडेट हो जाता है वहाँ भी, ताकि वहाँ भी जो लोग चाहें देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और उसके बाद भी कोई अगर आपके पास मन में सवाल हो तो आप यहाँ कमेंट्स करिए, हमारे फेसबुक पेज फॉलो करके वहाँ कमेंट्स करिए, हर जगह मौजूद हूँ मैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है राजा गोपाल। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16 का कहना है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ। पोथी चित्रण की जो शुरुआत हुई वो किस शैली में हुई, मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में, जैन शैली में या पाल शैली में। तो बेहतरीन प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, उम्मीद करूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और कल संडे है, याद रखिएगा, सुपर संडे सीरीज में अच्छे प्रश्नों की सीरीज आएगी, तैयार रहिएगा। रात 8 बजे बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज सुपर संडे में आपको AMU क्लासेस की तरफ से मिलेगा। और उम्मीद करूंगा कि उस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और आज भी पूरा फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा मित्रों, क्योंकि फुल वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका रिवीजन भी नहीं समझ तैयार हो पाएगा, और नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी तो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो फिर वीडियो देखा करिए, यही उम्मीद है मुझे। और 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा पाल शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखिए आपके सामने है। और धीरे धीरे 20 प्रश्नों की सीरीज में आप 17वें प्रश्न की तरफ पहुँच चुके हैं। और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाल शैली के सर्वाधिक चित्र किस शैली में, देखिएगा किस शैली ने, किस संग्रहालय है, यहाँ संग्रहालय शब्द होगा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, पाल शैली के सबसे अधिक चित्र किस संग्रहालय, ठीक है साथियों, क्या है, संग्रहालय है, बोल देते हैं संग्रहालय, शैली की जगह संग्रहालय में संग्रहित हैं। भारत भवन भोपाल में, भारत कला भवन वाराणसी में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, या रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पाल शैली के सबसे अधिक चित्र हमें संग्रहित मिले हैं जिस संग्रहालय में, उस संग्रहालय का इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी वहां जाएंगे अगर आप कभी घूमने तो जरूर देखिएगा पाल शैली के चित्र, वहीं आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। और उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है साथियों डी रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम है, राज सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो कभी घूमने जाइए तो जरूर जाइए। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न की देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 कहना है किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। कागज पर बने चित्र हमें प्राप्त नहीं हुए कौन सी शैली में, जैन शैली में, पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, या इनमें से सभी शैलियों में हमें नहीं प्राप्त हुए कागज पर बने चित्र। ठीक है, तो ये है 18 नंबर प्रश्न। धीरे धीरे आप पहुंच चुके हैं 18 नंबर प्रश्न पर। और आज की रिवीजन सीरीज में है 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न में आज आपको रिवीजन में अपना परफॉर्मेंस देना है। वैसे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हमारे सब्सक्राइबर साथियों का जाता है डेली, और जो नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार अगर एंट्री कर रहे हैं, मतलब TGT PGT में चाहे किसी भी राज्य में हों, पहली बार कला से अगर एंट्री कर रहे हैं तो वो ज़रूर
कुछ ना कुछ अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं भी हूँ बताने के लिए। और हमारे सब्सक्राइबर लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग खुद ही आपके कमेंट्स में कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में राय दे देते हैं। और यही हमारे चैनल की सबसे अच्छी खासियत है हमारे सब्सक्राइबरों की, कि वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं और यही इंसानियत अच्छी दिखती है हमारे सब्सक्राइबर साथियों की। तो आप पूछिए, आपको जवाब हमसे और उनसे दोनों लोग से मिलेगा। और 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, पाल सैडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, पाल शैली में कितने चश्म के चेहरे बने हैं? पाल शैली में कितने चश्म के चेहरे बने हैं? 1.5 चश्म के चेहरे, 1.25 चश्म के चेहरे, 1 चश्म के चेहरे या 2 चश्म के चेहरे? तो पाल शैली में कितने चश्म के चेहरे बने हैं, यह है आपका प्रश्न संख्या 19। और इसके बाद एक प्रश्न और आपके पास आएगा और आप आज के इस वीडियो को तय करेंगे कि रिवीजन कितना सही हुआ। आरपीएससी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, पहले तो आवेदन हो रहा है, आवेदन करिए। जो राजस्थान से जुड़े हमारे साथी हैं वो कोई पूछे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें कि एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे तो एलिजिबिलिटी वहाँ नोटिफिकेशन में है ही है, 70 सीटें हैं, लेकिन जो बंदा अपने आप को डेली इस चैनल से जोड़ के पाया है मैं गारंटी देता हूँ कि वो सिलेक्शन करेगा लेक्चरार में आरपीएससी के। अगर डेली देखा है तो हर सब्जेक्ट से मेरा कुछ ना कुछ प्रश्न वीडियो पे आपको मिलता रहता है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, 1.25 चश्म के चेहरे के। ठीक है, और वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न कह रहा है 20 नंबर, प्रसिद्ध मठ विक्रमाशील की नींव किसने रखी? विक्रमाशील एक प्रसिद्ध मठ है जिसकी नींव क्या धर्मपाल के द्वारा रखी गई, महीपाल, उदयपाल या देवपाल? इनमें से वो कौन से पाल शासक थे जिन्होंने प्रसिद्ध मठ विक्रमाशील की नींव रखी? ठीक है, यह है 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। और इसी प्रश्न के बाद आप अपने आप को आज के रिवीजन क्लास में तय कर लेंगे कि कितना बेस्ट किया आपने रिवीजन क्लास के इस प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए आखिरी प्रश्न का जवाब भी देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल। तो साथियों बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आज का रिवीजन क्लास में लिया गया प्रश्न, पसंद आया कि नहीं। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा और फुल वीडियो देखिएगा, और हमारे फेसबुक पेज एमयू क्लासेस आर्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए कल सुपर संडे में बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।